Correct, correct, yeah. So if you could give me some brochure or something through WhatsApp if it is possible. Hello? Hello? Yeah, if you could send me some brochure through WhatsApp or something, it would be great. Number in the WhatsApp. Okay. You go to the profile, click, you will get a catalog. Okay, okay. And is there a price list available, current pricing? कल सुबह मैं सो करके उठी और जो मेरे नेक में पेन हुआ है ना, कल कभी होता है ना कि सोने में आपका पेन हो जाता है यहाँ पे पीछे, कल सुबह जब उठी तो इतना ज्यादा पेन था, तो कल तो हालत मेरी बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैंने व्लॉग भी नहीं किया, कल ही हमारा प्लान था पता है जाने का, एसी देखने के लिए पूरा सोच लिया था कि कल भी जाएंगे और फिर आज भी फाइनल करेंगे, कुछ दो दिन लगेगा ही देखने में अलग अलग जगह, तो फिर कल कुछ किया नहीं, ज्यादा घर पे ही थे। और आज भी ज्यादा हेल्प हुई नहीं है, मतलब थोड़ा सा बेटर है पर उतना भी नहीं कि मैं बोलूँ ठीक हो जाएगा। वही जो होता है ना हीटिंग पैड, मतलब जो रखते हैं बैग यहाँ पे, वो सब रखा थोड़ा, उससे से आराम हो जाता है, पर लगेगा दो दिन तो लग ही जाएगा। तो वही हो गया है। और मैं अभी भरने जा रही हूँ ये पिस्ता बिस्किट, ये ना हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, ये कराची बेकरी का ये पिस्ता बिस्किट, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो कभी करिए। इसका एक दो आता है, पिस्ता आता है, काजू आता है, सब बहुत अच्छा लगता है। आज का मौसम थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी है, कल तो बारिश भी हुई थी, वैसे आसमान खुला हुआ है लेकिन फिर भी धूप नहीं है, तो लग रहा है कि थोड़ा सा क्लाउड जैसा है, बारिश के बाद का मौसम है ना, बहुत अच्छा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं इसमें आरओ का पानी ना डालूं और नॉर्मल डालूं टैप वाटर, तो मैंने अभी टैप वाटर डालना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली पता है आरओ भी मैंने डाला था ना, क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था बहुत पहले भी जब ये आया था ना अंगद के ऑफिस से, उसके बाद में ये सड़ रहा था बहुत जल्दी, तभी किसी ने सजेस्ट किया था कि आप आरओ का पानी डालिए, तो मैंने डालना स्टार्ट किया था। रिसर्च चल रहा है अलग अलग एसी के बारे में, सो कॉल्ड रिसर्च, जो भी रिव्यू देखो सब बोल रहा है ये वाला अच्छा है, तो ये वाला अच्छा है, सारे ही अच्छे ही होते हैं, तुमको क्या लगता है? इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है कोई, तो उतना भी बुरा क्या है, लेकिन अपने पॉकेट में भी अच्छा होना चाहिए। वो एक बार खरीदना अलग बात है, उसको मेंटेन करना और उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल देना अलग बात है। तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा डबल हो जाएगा, आराम से है ना, एकदम ही हो जाएगा ना, अगर रोज सिर्फ समर की है ना, हाँ बैंगलोर में उतना दिक्कत नहीं होता है, मजे मजे में ले लेते हैं। एक काम बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्यों आराम से लेटे नहीं, कुछ तो खुराफात होना जीवन चाहिए, में चैन क्यों होना चाहिए, जीवन में कुछ परेशानी हो, लेकिन बार बार सर्विस करवाने की चीजें हो तब मजा आता है। एक बात बताओ, हाँ। मुझे क्या लग रहा है, एसी आने के बाद ना मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, वो तो है, बोलो कैसे, क्योंकि तुमको चाहिए 16 डिग्री पे एसी, हाँ गाड़ी में होता ही हमारे साथ, रखने नहीं दूंगा। होटल में क्या होता बताओ ना सबको, हमारे साथ में 16 डिग्री रख के दो कंबल दो कंबल ओढ़ के बैठेगी और फिर बोलेगी तभी मजा आता है, और फैन भी चलाती हूँ, तो 16 पे क्यों रख रही हो भाई, तुम 20 पे रखो, बोले नहीं वहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग जो दिल्ली गए थे बताओ ना क्या करती थी मैं, पाइप पे फैन, पाइप पे हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, 16 पे एसी दो कंबल और फैन भी, सॉरी मैं वो मिस कर गया, फैन भी रहता है पाइप नंबर पे, पाइप नंबर पे, बोले एसी, एसी का तो होटल पे आवाज आता नहीं क्योंकि वो सेंट्रलाइज एसी रहता है, तो सिर्फ फैन का उसका आवाज से ही नींद आएगा, घर पे भी वही होता है, सिर्फ फैन पे ही झगड़ा होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पैसा खर्च करके हम कलेश खरीद रहे हैं, काम करता हूँ क्या मैं, वाईफाई वाला एसी ले लेता हूँ ताकि मेरे कंट्रोल में रहे, नहीं और एक और चीज होगी जो मैं बोलने वाली थी, वीकेंड्स को तुम एसी चलाओगे और चैन की नींद सो जाओगे, एक और बहाना मिल गया है ना। एकदम सिंपल सी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, और कल मैंने बहुत अच्छा बनाया था डिनर, मैंने
मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कल तबियत ठीक नहीं था। कल मैंने मशरूम बनाया था, और मशरूम और उसके साथ में ग्रिल चिकन और फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी बनाया था कल, मतलब मजा ही आ गया था। कभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। मशरूम में ना मुझे खाने में अच्छा लगता है मशरूम मतलब, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना वॉश करने का और कटिंग का, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी होती है ना कि वो देख के एक मिनट के लिए मन करता है कि ये एडिबल है भी कि नहीं, ऐसा लगता है मुझे। मतलब नहीं अच्छा लगता है उसको साफ करने में, बहुत ज्यादा गंदा रहता है। पर एक बार साफ वाफ हो जाए, जैसे कट कर लीजिए, तो खाने में अच्छा लगता है। पौने चार बज रहे हैं और हम लोग अब जाकर के निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ना धूप थी उस टाइम पे। दिखाया ना मैंने कि अच्छा खासा मौसम था, उसके बाद आधे घंटे में ही कड़ी धूप आ गई, तो लगा कि खाना खा के तुरंत जाते नहीं है, थोड़ा सा हो गया है लेट। तो सोच रहे हैं दो दुकान जाने का मन तो है, देखिए कवर हो पाता है नहीं हो पाता है। बस चलिए निकलते हैं। तो पहना है ये टॉप, उसके साथ नीचे जीन्स, और चलिए बहुत धूप है। मैं दिखाती हूँ बाहर का हालत क्या है। बाहर का मौसम कड़क धूप एकदम। तुमने पहन लिया आज? स्विच कर लिया आज, मैंने ये वाला मास्क पहन लिया। ये जो ब्लू वाला मास्क है ना, ये वाला थोड़ा सा गोल सा आता है शेप इसका, तोता जैसा लगता है। देखिए इन पे तोता जैसा लग रहा है, दिखा। हाँ लग रहा है, तो मेरे पे बस बहुत ज्यादा तोता जैसा लग रहा है। तो मैंने ये वाला इनसे छीन लिया है। कैसा लग रहा है ये वाला शेड्स बताइए? एकदम लग रहा है ना पोपड़ जैसा। एक तो सामने मास्क, पता मास्क पर वियर्ड लगता है नी ये सनसेट पहनना, सनसेट के ऊपर मास्क। हाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये जो सनसेट अंगद ने मुझे गिफ्ट किया है ना, वो मैं आपको दिखाना ही भूल जा रही हूँ, क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं। अरे इतना कूल है। मैं कभी पहन के दिखाऊंगी। मुझे मैं जब भी पहन रही हूँ ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही पहन के बाहर निकलने की, क्योंकि ना वो मैं सच बता रही हूँ, वो 3D चश्मे की तरह लगता है। वो इतना आगे की तरफ मैं ना, मतलब लग रहा है मूवी थिएटर जा रही हो। अंगद ने बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सनशेड मुझे गिफ्ट कर दिया, जो अभी फिलहाल कोई नहीं पहन रहा है। बिफोर द टाइम, तो मुझे हिम्मत नहीं है। बिफोर एनीबॉडी हैज इट, यू हैव इट। हाँ ट्रायल बोलते हैं उसको, वो करते हैं ना चूहों पे लेबोरेटरी में, वैसे ही हुआ है मेरे साथ। मुझे मिल तो गया, ऐसा मैं पहन नहीं पा रही था ना, ये सब पहनते हैं सर दर्द हो जाता है मेरा, मैं पहनती ही कम हूँ। पर अभी इतनी ज्यादा धूप है ना, एकदम सामने से धूप आ रही है, तो ये मैं एक गाड़ी में रखती हूँ। एक और रहता है अंगद के पास में भी, अच्छा कलेक्शन है। एक मैंने ना ये वाला लिया था, ये भी मैं कार में ही रखती हूँ, पता नहीं क्यों। ये मैंने मॉल में कहीं से लिया था, ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर ये आपको धूप में तो प्रोटेक्ट करेगा नहीं, बट इट लुक्स वेरी नाइस। मैं जब मैंने लिया था पिछले साल, तो मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट पहनती थी, फिर मुझे आप हर जगह स्पॉट कर देते हैं पहने हुए। एनी वेज हम लोग कहाँ जाओ, कौन सा वाला इसी फाइनल, सब कुछ इन्होंने रिसर्च किया, तो कहाँ जा रहे हैं? रिलायंस डिजिटल जाएंगे, देखेंगे वहीं पे। दो ब्रांड है, व्हाट यू प्रपोज गॉट डिस्पोज। तो मैं जो सिलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, जरूरी थोड़ी ना उसके शोरूम में अवेलेबल हो। वो तो है, समर सीजन है तो शॉर्टेज होती है चीजों की। इन्होंने दो फाइनल किया है, मतलब दो ही है जिस पे ध्यान है इनका, उसके अलावा तीसरा देखना ही नहीं चाह रहे। एक है मित्सुबिशी और दूसरा है डाइकिन। तो इसके अलावा तीसरा में अंगद को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सवाल ही उठता नहीं, हम वही दो देखेंगे। अभी दो का शोरूम जो है ईस्ट और वेस्ट है, मतलब एक कहीं और पड़ रहा है, कहीं और पड़ रहा है, दूर दूर है थोड़ा। वैसे आप लोग से मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ, कमेंट करके बताइएगा कौन सा लेना चाहिए आपके पास कौन सा, क्योंकि शायद तब तक अंगद जी बुक कर चुके होंगे। तो हम लोग ने यही दो सोचा है, अब देखते हैं। मैंने 16 डिग्री पे एसी चला दी है, तो घर पे भी यही होने वाला है, तैयार रहना तुम। 16 डिग्री 5 पे फैन, जैकेट वैकेट सब निकाल दिया है मैंने ऑलरेडी फॉर इंस्टॉलेशन।
जैकेट मफलर मंकी कैप। को फोन कर रहा है, उनके पास भी दो एसी है, एक तो उनके पास में लिविंग रूम में है, एक बेडरूम में भी है। एक्सपीरियंस कैसा है पूछने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एलजी ले लो, है ना। तो हम लोग जो डाइकन सोच के आए थे वो पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरा था मित्सुबिशी, वो तो है ही नहीं, तो एलजी ही। एक्चुअली इन लोग के पास में 2 साल पुराना मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल इन लोग के पास है ही नहीं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अब एलजी का भैया से पूछ लेते हैं रिव्यूज कैसा है, फिर सोचते हैं। हम लोग इधर एसी लेने आए हुए थे, स्टार और सैमसंग, कैसा है एक्सपीरियंस? हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पता नहीं, रिलायंस में आए हुए। ठीक है चलो। कुछ भी लीजिए, तो फिर थोड़ा रिसर्च, थोड़ा लोगों से पूछना तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो भैया का जो रिकमेंडेशन है वो भी सही है, वही हम लोग भी सोच रहे थे, वो मित्सुबिशी बोल रहे हैं, अच्छा तो होता है ना। और हमारे घर पे गुजरात में मित्सुबिशी है, राइट, तो वो तो बहुत सालों से है, अच्छा वर्क कर रहा है, तो चलते हैं मित्सुबिशी जाके पता करते हैं। पर शोरूम नहीं है ना उसका बैंगलोर में, एक्चुअल एक ही है। मित्सुबिशी दो ब्रांड चलाते हैं बेसिकली, मित्सुबिशी हैवी और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट बेचता है, तो मित्सुबिशी हैवी जो है वो हैवी इंडस्ट्रियल या ऑफिस यूज के लिए बेचता है। तो हमें जो लेना है होम वाला, तो जाके देखते हैं इनकेस अगर से लगे। देखो हो सकता है आज नहीं भी फाइनल हो पाए, नहीं क्योंकि हम लोग अब संडे तो, अब तो हो गया, बंद हो जाएगा सब कुछ। नहीं, 8 o'clock तक तो सब खुला ही रहेगा, तो आज ही डन करना है क्या? देखते हैं जैसा जो करेगा। फिर वीकडे में क्या निकलना मुश्किल हो जाता है, वो भी फिर बात चली जाएगी अगले वीकेंड में। ये 3 दिन का छुट्टी ना बेस्ट टाइम था, अगर थोड़ा सा तबियत ठीक होता ना तो हम तो काम कर ही चुके होते हैं। तो हुआ यूं कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो काफी दूर है, तो मैंने जिद करवा के रुकवा लिया चाय कॉफी के लिए। मेरा टाइम हो गया, घंटी बज गया है कॉफी का, घंटी बजी। चले तो यहाँ पे है उडुपी पार्क, तो यहाँ पे हम लोग चाय कॉफी करते हैं, फिर जाएंगे दुकान। वो ले लो ना सैनिटाइजर। और हाँ, मैं अपना पर्स कैरी करूँ? नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू, वरना मैं ट्रीट कर देती। ऐसे पूछते रहना चाहिए, सामने वाला बोलेगा नहीं मैं ठीक हूँ, चलो कोई नहीं। मैंने मंगाया कॉफी एज यूजुअल, और अंगद ने मंगाया चीकू मिल्कशेक। तो पहले मैं इनका मजाक उड़ा रही थी, क्या यार तुमको तो टेस्ट ही नहीं है, तुम फिल्टर कॉफी छोड़ के क्या मंगवाते रहते हो। और जब मैंने एक सिप टेस्ट किया ना, आधा मेरा ही खत्म कर दिया। इतना टेस्टी था कि मैंने डिसाइड किया, इन बोला है कि हम भी चीकू खरीदेंगे और मैं भी कल चीकू मिल्क शेक बनाऊंगी फिर। लेकिन फिल्टर कॉफी क्या मतलब, एकदम ना मैं स्ट्रांग वाला पीती हूँ, तो हमेशा मैंने अंगद को बोला कि स्ट्रांग बोल दो, तो ये वाला सुपर स्ट्रांग था, एकदम मेरा दिमाग खुल गया है, और अब मुझे पता है मैं कौन सा एसी सिलेक्ट करना है। अच्छा हाँ, ये कैसे तुमको अचानक से एकदम ये हुआ? वो पीते ही मैं समझ गई, एनलाइटन। हमें वही सिलेक्ट करना है जहाँ भी हम जा रहे हैं, इसके अलावा हम कहीं नहीं बैठे। हम इसको तुम फिक्स करो। क्यों, ऐसे कैसे बिना देखे तुम कैसे ऐसे? नहीं, मुझे लग रहा है अभी यही लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सब चाहते हैं कि हम, क्योंकि अंगद के मन में है, मुझे पता चल चुका है अंगद के मन में है वही लेना है, क्योंकि घर से निकलने से पहले ही बोल चुका था, और अब हम वही पे जा रहे हैं। और जो दुकान है ना, एक्चुअली उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, पर अंगद ने उनसे रिक्वेस्ट करके उसके भाई को बुलवाया है ताकि वो दुकान खोले, तो इतना कुछ कनेक्शन इन्होंने लगवा दिया है, तो हम वही लेंगे। और यही कॉफी पी के मैं समझ चुकी हूँ। वैसे भी अभी हम लोग फिनिक्स के आसपास है ना, फिनिक्स क्रॉस किया जस्ट। आर यू लिसनिंग? डैम, 1 hour later। अभी हम लोग आए हुए थे एक और दो दुकान देखने के लिए, और मुझे दिख गया यहाँ पे चाय, वो भी बिरयानी जोन के नीचे, दम चाय। तो अब चाय पियेंगे पहले।
तब से खाना पीना ही चल रहा है, हम लोग देख नहीं रहे कुछ। देख रहे हैं थोड़ा बहुत, देख रहे हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत देख रहे हैं, खाना ज्यादा देख रहे हैं। पर दम चाय मिलता है बहुत टेस्टी है तो पी लेते हैं ना, एसी लेते ही रहेंगे, पर ये फिर नहीं मिलेगा घर के पास। एसी तो हम दिन भर लेते हैं, क्या है उसमें? और खाना आप एक बार कभी कभी करते हैं तो यही कर लेते हैं पहले। आज का जो ब्लॉग है वो एसी के ही नाम है, मतलब और कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग तो अभी हो ये रहा है। खैर जिनको एसी लेना होगा उनके लिए अच्छा हो जाएगा, नहीं इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा कि कैसे भटक रहे ये दोनों। हम लोग दोनों का ना कुछ भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा महंगा ही है तो उतना जल्दी ना डिसाइड नहीं करते, थोड़ा सा समझते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो वो थोड़ा सा रिसर्च टाइप हो जाता है, फोन करते हैं लोगों को जिनके पास है ना, अच्छा रहता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे माराथली एरिया में बहुत सारे एक साथ में शोरूम है, जितने भी आप सोच सकते हैं, चाहे पाई हो चाहे क्रोमा हो, सब बहुत सारे कुछ यहाँ पे, हम सब जगह पे गए और वहाँ पे देखा क्या क्या है। और अभी हम एक और शोरूम जा रहे हैं जो बहुत दूर है, हम 20-25 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, 20 किलोमीटर हम अभी आगे जा रहे हैं। वहाँ पे एक और शोरूम है, मित्सुबिशी का ही है पर दूसरा, जैसे अंगद ने कहा था ना कि दो आते हैं उनके, तो एक और है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं और मोस्टली शायद अब फाइनल कर देंगे, मतलब वो लास्ट हंट है हमारा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है, जैसा होगा फिर बुक कर देंगे वैसा। तो अभी टाइम लग जाएगा, 7 बजे हैं हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर, वो भी ट्रैफिक में, 9 बजे तक दुकान खुली रहती है, तब तक पहुँचना है और देखना है और फिर पता नहीं कहीं पर खाना वाना खाएंगे तो जा रहे हैं। हाँ जी, तो फाइनली हमारी बुकिंग हो गई है एसी की, तो कल आ जाएगा और ट्यूसडे को इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो वो अच्छा बात है, वो लोग कर देंगे। और कौन सा लिया है, कितने कॉस्ट का है, कैसा है, क्या है, वो जब लग जाएगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल लेकिन बहुत भागा दौड़ी की, यानी 4 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 9:30, हमने खाना खाया फटाफट और अभी भैया का भी फोन आया था कौन सा बुक किया फाइनली फिर तो चलिए ले लिया, फाइनली चलते हैं घर। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग भी यहीं तक रखते हैं और हमारे साथ आपको भी मजा आया हो शायद घूम घूम के, पता नहीं, हमें मजा नहीं आया, हम बहुत थक गए, लेकिन हम लोग का हालत खराब हो गया, आप लोग को मजा आया होगा आई एम श्योर। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, बाय बाय। क्या है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।